have to enter an alliance. Alliance मतलब दोस्ती, हाथ मिलाना. Have to enter an alliance with many parties, with one or more parties लिखते हैं. When one or more parties to form a government, to form a government at the center. Such a government is called coalition government. इस तरह की government को हम लोग क्या कहते हैं? Coalition government बोलते हैं. ठीक है, अब आज की क्लास, कोलिजन तो अपन ने कल समझ लिया था. आज हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. आज हम लोग क्या समझेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ना. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? अभी तक जो पावर डिवाइड होते थे वो सेंटर और स्टेट के बीच में ही होते थे, बट स्टेट्स भी बहुत बड़े होने के कारण हर बार स्टेट जो रहता है वो हर एक सिटी की सारी नीड्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा था. ऊपर से रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी होने के कारण जो डिसीजन मेकिंग अभी हो जाना चाहिए था उसको ढाई ढाई तीन तीन साल लग जा रहे थे. तो बहुत बार जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो या तो डिसीजन बहुत लेट ले रही थी, या फिर वो लोकल जो लोग थे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो उनकी नीड्स को कैटर नहीं कर पा रही थी. तो ऐसे में हमारे यहाँ 1990s में डिसेंट्रलाइजेशन आया, व्हेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया, जहां बोला लोकल गवर्नमेंट को भी क्या मिलेंगी? राइट मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर्स मिलेंगे टू टेक डिसीजंस. ठीक है, यानी कि जब बजट एलोकेट होगा हर स्टेट को तो हर स्टेट का भी ड्यूटी रहेगा कि वो हर डिस्ट्रिक्ट और सिटी को क्या करे, एक बजट दे और उसमें से वो सिटी क्या कर पाए, अपने डेवलपमेंटल प्लान एग्जीक्यूट कर पाए. अब अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको पैसे संभालने के लिए बंदे भी लगेंगे. अकाउंटेंट्स तो नहीं, हाँ अकाउंटेंट्स तो खैर अपनी जगह रखेंगे, लेकिन आपको कोई बंदा चाहिए जो डिसीजन ले कि कौन सा पैसा कहाँ स्पेंड होना है. मिनिस्टर्स लोकल लेवल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विच इज अ कॉम्बिनेशन, जो हम लोग बोलते हैं ना इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या जो लोकल म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, दे आर एलोकेटेड या दे आर डिजाइंड हाँ फॉर दिस टास्क. कि अगर एक लोकल लेवल पे आज पाइप फूट रहा है तो आपको भोपाल तक जाने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है, आपके इधर ही इधर क्या हो जाएगा, सारा मैटर सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट को इतना एम्पावर, इतनी पावर उनके हाथ में दे रखी. ओके, सो ये जो चीज है इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. एग्जाम में दो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं. पहला कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैंने बता दिया. दूसरा क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्या होती है, वो भी बता दी. कि हर बार जरूरी नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी सारी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझे पहली बार, और अगर वो आपकी नीड समझ भी गए तो हो सकता है कि वो उसको सॉल्व करने का बेटर तरीका नहीं बता सकते हमसे, बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट एरिया. तो हो सकता है हम ज्यादा समझते हो हमारी प्रॉब्लम को और हम ज्यादा समझते हो कि इस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. तो इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या था या नीड क्या थी, कि हम लोग लोकल चीजों को क्या करें, उनको खुद को उनके मैटर हैंडल करने दे. और जो तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है, हाउ वाज डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया. तो 1992 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब इंडिया में किसका कंसेप्ट आया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें? डिसेंट्रलाइजेशन की डिफाइन से, ठीक है ना, और इसको खत्म कहाँ करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है. ठीक है ना, कैसे तीन क्वेश्चन से मेजरली, और कुछ बुलेट पॉइंट्स है. पेज का चलते हैं. चलो डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटीज एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटीज एंड गिविंग इट टू लोकल अथॉरिटीज. ठीक है, सेकेंड, नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है?
ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, दैट आर सेटल्ड एट लोअर लेवल्स. ठीक है, तो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर सेटल्ड एट लोअर लेवल्स एज पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, एज पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज टू स्पेंड मनी एंड मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली, टू स्पेंड मनी एंड मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली. ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर फेडरलिज्म. ओवरऑल बहुत इजी है, अगर अच्छे से इज्जत से पढ़ लो तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. सही में यार. थैंक्स पता नहीं क्या हुआ यार उसको. इन 1992, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1992 में हुआ. ठीक है ना, अ मेजर स्टेप वाज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेजर स्टेप वॉज टेकन बाय बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है, क्या मेजर स्टेप लिया था, टू मेक लोकल लेवल मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, टू मेक लोकल लेवल मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. ठीक है, इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. 1992 के बाद इट बिकेम कंपल्सरी, ठीक है, टू हैव लोक रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडी. ठीक है ना, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि ये जो बंदे हमारा पैसा यूटिलाइज करेंगे इनको भी कौन इलेक्ट करेगा, हम ही इलेक्ट करेंगे. ठीक है ना, इसमें भी 1/3 सीट्स हमसे मतलब आर लोग हाँ रिजर्व्ड फॉर विमेन कैंडिडेट्स. ठीक है ना, और लोकल इलेक्शंस के लिए भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है. ठीक है, ताकि इन इलेक्शंस में भी क्या ना हो, किसी भी तरह की चीटिंग ना हो. एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, एंड इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन has been created to conduct panchayat and municipal elections, to conduct panchayat and municipal elections. Theek hai, the state government
इज रिक्वायर्ड टू हाँ टू शेयर पावर विथ लोकल गवर्नमेंट. ओके, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या कि यहाँ पर किस तरीके से होगा. तो हम लोग बोलते हैं जो रूरल गवर्नमेंट होती है, रूरल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, याद रखना है तुम्हें, पंचायती राज. ठीक है, अब हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज की एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है ना. तो विलेज या अगर विलेज बहुत छोटा है तो ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए क्या होगी हमारे पास, ही ग्राम पंचायत. ये सब तुम लोगों ने पिक्चरों विचरों में देखा होगा, मतलब दो पास वाले विलेज के दो तीन गांव का, हाँ एक वो रहता है, ठीक है ना. अब ये जो रहते हैं, ये जो विलेज की ग्राम पंचायत रहती है, इसमें कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं, सेवरल वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड. और ये जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंच, ठीक है. और जो इन सब का हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच. इन सब का जो प्रेसिडेंट होता है, किसका, पंच का, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सरपंच. क्या कहते हैं, सरपंच. ये वन मार्कर्स में आएंगे बेटा, सड़ी सड़ी बातें, ठीक है ना. कैसे बनेगा ये, कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल पॉपुलेशन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल पॉपुलेशन. रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज. एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलकर क्या बनाती है, एक ग्राम पंचायत, ठीक है ना. बहुत सारी ग्राम पंचायत में जो बंदे इलेक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, पंच. और इन सब का जो हेड होता है उसे हम लोग कहते हैं सरपंच. ये जो पंच और सरपंच होते हैं ये हाँ, ये जो पंच और सरपंच होते हैं ये डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, इनको, लोकल पॉपुलेशन. इस तरह की बहुत सारी पंचायती पंचायत समिति को हम लोग जिला परिषद बोलते हैं. और इस जिला परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं, उस एरिया से इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज, दैट इज मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और इनका जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेयर, ठीक है. नहीं मैंने बता दिया तुमको, रहने दो, जिला परिषद भी बता दिया है मैंने तुमको. अर्बन लोकल बॉडीज जो रहती है, यानी कि जो शहरों में होती है, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है वो कौन सी होती है बेटा, दो तरीके की होती है. एक होती है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, और दूसरी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या फर्क होता है बेटा, म्यूनिसिपैलिटीज छोटे छोटे शहरों में होती है यानी कि टाउन्स में, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होती है, बड़ी बड़ी सिटीज में होती है. आई बात समझ में, ठीक है. और यही हमारा म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है जिसको हम लोग मेयर बोलते हैं, वो तो कहानी हम लोगों ने लिख ली. इसके हेड को हम लोग क्या कहते हैं, मेयर. सिटी की चाबी और टाउन की चाबी, ये कहाँ तूने किसी साउथ इंडियन मूवी में देखा होगा.